नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागिला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज। चली नजर आते इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने कराए नए वाहन उपलब्ध। रावण दहन देखने उमड़ी जनता। राम रावण के बीच हुआ युद्ध। 55 फीट का बना रावण का पुतला। मुख्यमंत्री राहत कोष का हुआ वितरण। सामुदायिक केंद्र में बदाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर महिला एकता मंच ने की पत्रकार वार्ता। 4 दिवसीय महायज्ञ का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। दशहरा पर्व के शुभ अवसर पर एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने जनपद के विभिन्न थानों व सीओ को नए वाहन उपलब्ध कराए। आपको बता दें, जनपद के कई थानों के सरकारी वाहन काफी खराब स्थिति में थे। वहीं नए वाहन उपलब्ध होने पर थाना पुलिस द्वारा शिकायतों को शीघ्र व समय से अटेंड किया जाएगा। साथ ही इससे पुलिस के रिस्पांस टाइम में भी काफी सुधार आएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बड़े ही हर्ष का विषय है। माननीय हमारा डीजीपी साहब के अगुवाई में जो गाड़ियाँ खरीदी हुई थी उसमें से उन्होंने बहुत निर्देश दिया था हमारे उधम सिंह नगर पुलिस को, सभी जिलों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ नियमानुसार कंडेम करिए। तो बड़े हर्ष गर्व का विषय है कि एमटी के अथक प्रयास और पुलिस लाइन और पुलिस शाखाएँ का अथक प्रयासों से पूरे उत्तराखंड में हाईएस्ट नंबर ऑफ गाड़ियाँ हमने नीलामी करवाई थी। तो आज उसका प्रतिफल मिल गया कि माननीय मुख्यालय द्वारा हमको सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ गाड़ियाँ दिया गया था। आज जो पीएचक्यू से उपलब्ध हुआ है गाड़ी, पावन पर्व है दशहरा, दशहरा वाला दिन जो है हम जो भी गाड़ियाँ नीलामी हुई थी उनके जगह पे नए गाड़ियाँ सभी थानाध्यक्ष को गया है। अब से उधम सिंह नगर जनपद में सभी थाने में चमके गए नए गाड़ी चमकती हुई मिलेगी आपको। रेस्पॉन्स टाइम अच्छा मिलेगा, दुरुस्त व्यवस्था मिलेगी, यही आशय है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। रुद्रपुर के गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, रुद्रपुर के लाखों लोग इस अवसर के साक्षी बने, जिस दौरान जनता में खासा उत्साह देखने को मिला। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। रामनगर में पूरे हर्षोल्लास के साथ दशहरा पर्व के अवसर पर रावण और मेघनाथ के पुतलों का दहन हुआ। आपको बता दें, इस वर्ष दशहरा पर्व का आयोजन पुरानी तहसील परिसर स्थित पार्किंग में किया गया। इससे पूर्व स्थान पर राम और रावण के बीच युद्ध भी खेला गया। आपको बता दें, मेले में पहुंचे दर्शकों की भारी भीड़ ने कलाकारों का उत्साह बढ़ाने के साथ ही पुतलों के दहन के बाद भगवान राम का आशीर्वाद दिया। वहीं रामलीला कमेटी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल एवं समस्त पदाधिकारियों ने प्रशासन एवं जनता का आभार व्यक्त किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जो आपका रावण दहन क्षेत्र है, क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई है, किसी भी प्रकार से जो भीड़ है वो इसके पास ना पाए। इसके अलावा जो इसका लगता हुआ जो मार्ग है, सभी मार्ग में ट्रैफिक रोक दिया है ताकि लोगों के आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और पैदल ही आदमी यहाँ। इसके अलावा अग्निशमन की टीम हमारी फायर ब्रिगेड की, हमने पर्याप्त संख्या में जो आपका बल पुलिस बल बहुत जा रहे बाधाओं के बीच भी हम इस पर्व को मना पा रहे हैं। भगवान श्री राम प्रभु का हम पे इस कमेटी का पूरा आशीर्वाद रहता है। इसी का रूप आप देख ही रहे होंगे, भगवान का आशीर्वाद हम पे इस रूप में बरसा है। भैया बुराई कैसी भी हो अंत अवश्य होता है, और रावण जैसे अतराई का अंत करना ये भगवान श्री राम ने किया था, उसकी परंपरा का निर्वहन हम आज भी सनातनी लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बुराई हमेशा हारेगी, हारेगी निश्चित है। मुझे आज बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, दर्शनार्थी भी बहुत है, तो मैं इस क्षेत्र के युवाओं से, जनता से ये आग्रह करूंगा कि वे रावण के सद्विचार, अच्छे गुण और अच्छे ज्ञान को अपने ऊपर अर्जित करें और राम जी के आदर्शों पर ज्यादा ध्यान दें, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। बुराई पर अच्छाई की विजय के पर्व दशहरे पर कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा 55 फीट का रावण का पुतला हल्द्वानी के रामलीला मैदान में दहन किया गया। जहां आपको बता दें कि हल्द्वानी के रामलीला मैदान में रामलीला मंचन के दौरान होने वाले पुतला दहन के लिए 140 साल से एक ही परिवार पुतलों का निर्माण करता है।
उन्होंने बताया कि हल्द्वानी रामलीला मंचन की शुरुआत होने पर उनके दादा बाबू राम ने पुतले बनाने शुरू किए थे, उसके बाद उनके पिता राम सिंह भी रामलीला में पुतले बनाते थे और अब वो खुद 60 सालों से यहाँ पुतले बना रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा अच्छाई का प्रतीक हमारे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हल्द्वानी में भी रामलीला कमेटी के किया गया है, रामलीला दिनों से यहाँ पर आयोजित हो रही है, जिसका रावण दहन के साथ ही अच्छाई के साथ इसका समापन होगा। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष की भांति यहाँ पर हो रहा है। मैं संचालन समिति को और रिसीवर जो कि सिटी मजिस्ट्रेट है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर हो रहा है। यह प्राचीन रामलीला है और कई हजारों लोग इस रामलीला को देखने के लिए आते हैं। मैं सभी को दशहरे की बधाई देता हूँ। अंधकार पर प्रकाश की जीत को दशहरा कहा जाता है, अच्छा बुराई पर अच्छाई की जीत को दशहरा कहा जाता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। सब लोग संकल्प लें कि हम किसी का न बुरा करेंगे न बुराई को सही। आज रामला का समिति द्वारा यहाँ पर जो दशहरे का मेला था उसका समापन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में अहिरावण और रावण के वध के रूप में आज रावण का पुतला फूंका जाएगा और बड़ी भारी मात्रा में दर्शक आए हैं जिनको बहुत ही प्रेम रामलीला से। मैं पूरी रामला कमेटी के लोगों को बधाई दूंगा, यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट हैं उनका भी दूंगा बधाई कहूँगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हल्द्वानी के सेंटर में ये 140 वर्षों से रामला हो रही है, बहुत प्राचीन रामला है, आज भी हो रही है। मैं सबको बधाई देता हूँ। पुतले में तो मैंने 29 तारीख को आए थे और आज दशहरा है। यहाँ तो 3 पीढ़ी मेरी बदल चुकी है हल्के हल्के करके और मुझे ही काम करते कम से कम 60 की 70 करीब हो गई और यहाँ की रामलीला से मेरा लगाव रहता है। बिल्कुल, विजयदशमी का स्वाद तो हमेशा से ही हिंदू समाज में रहता है क्योंकि आज जो है रावण पर जीत का एक पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। भगवान राम द्वारा जो है आज रावण पर विजय प्राप्त की गई है तो उसके लिए सभी लोगों में उत्साह का उल्लास का माहौल है। पूरे देशवासियों को श्री रामला समिति संचालन समिति 2023 की ओर से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संचालन समिति द्वारा बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है, भगवान श्री राम जी की जो लीला का मंचन किया जा रहा है। रामनगर में मुख्यमंत्री राहत कोष के चेकों का वितरण किया गया। आपको बता दें कि बुधवार को विधायक दीवान सिंह बिष्ट के प्रतिनिधि जगमोहन सिंह बिष्ट ने विधायक कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त चेकों का वितरण पात्र लोगों को किया। जगमोहन सिंह बिष्ट ने बताया कि आज चेक वितरण कार्यक्रम के तहत 84 लोगों को 7 लाख रुपए से अधिक की धनराशि के चेकों का वितरण किया गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। लगभग 90 लगभग इसमें जो लाभार्थी हैं जिनके लिए यहाँ पर चेक 7,84,000 के लगभग माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा निर्गत किए गए हैं और इसमें कई महिलाएं और बुजुर्ग जो बीमार हैं और जिनको आपदा की वजह से जिनके नुकसान हुआ है, कई इस तरह के जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उनके लिए कोशिश और प्रयास है कि जो उनको आर्थिक सहायता कुछ उन्हें मिल जाए तो उन्हीं को सभी को वितरित आज सुबह से हो रही है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। बुधवार को रामनगर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मालधन चौड़ क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर महिला एकता मंच के पदाधिकारियों ने आयोजित पत्रकार वार्ता में सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि इस स्वास्थ्य केंद्र में मानक के आधार पर ना तो चिकित्सकों की तैनाती हो गई है और ना ही स्टाफ नर्सों को तैनात किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि अब भी मांग पूरी नहीं हुई तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी का घेराव कर इस क्षेत्र को पूर्ण रूप से बंद भी किया जाएगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट।
हमारी ये कॉल है जो अभी तक हमने पूरे गांव में मालथन क्षेत्र में जनसंपर्क हमारा चला हुआ है। जो आज की सरकार है उन्होंने मालथन जो क्षेत्र है उसको अपना वोट बैंक तक ही सीमित रखा गया हुआ है। वहाँ पे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक तरफ सरकार कहती है कि वहाँ पे 9 डॉक्टरों की वो मानकों के आधार पे 9 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे अभी तक 3 ही डॉक्टर उपलब्ध हैं। उनका ये कहना है कि वहाँ पे 5 नर्स होनी चाहिए, वहाँ पे अभी एक ही नर्स उपलब्ध है, ना वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, कोई चीज़ की भी सुविधा नहीं है। सरकार ने हमें ब्यौरा दिया है कि वहाँ पे जो 108 है वो 24 घंटे उपलब्ध है, लेकिन 108 जो वहाँ पे 12 घंटे ही उपलब्ध है। इमरजेंसी की वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, 2 बजे बाद वो हॉस्पिटल बंद हो जाता है। हमारा सरकार से ये कहना है कि जब तक मानकों के आधार पे हमें वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिलेंगी और हम महिला एकता मंच अपने इस आंदोलन को आगे भी बरकरार रखेंगे। और 29 तारीख को हमने वहाँ पे एक बड़ा प्रदर्शन जुलूस का रखा हुआ है और आगे अगर जरूरत पड़ी तो हम शिवमो का घेराव करेंगे और जरूरत पड़ने पे हम पूरे मालधन को भी बंद करेंगे। जयपुर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत बंधन पैलेस में गायत्री परिवार की तरफ 4 दिवसीय महायज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशाल कलश यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, गायत्री परिवार ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि गायत्री शक्ति पीठ से आज कलश यात्रा निकाली गई जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई बंधन पैलेस पर खत्म हुई, जिसके बाद गायत्री पुराण शुरू होगा और 4 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। गायत्री परिवार ट्रस्ट का मैं मुख्य अध्यक्ष हूँ। और आज क्या प्रोग्राम? सुबह गायत्री शक्तिपीठ से कलश यात्रा जसपुर में मेन बाजार में होती हुई, उधर जोशियान मंदिर में होती हुई, फिर मऊआ रोड से होती हुई बंधन पैलेस में पहुंचेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागिला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।